व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको एक बार फिर से नवी मुंबई में अंडरपास से मैं आपको लेके आया, ऐसी प्रॉपर्टी में लेके आया हूँ ना, नवी मुंबई खारघर में, जो आपको रेट मिलने वाला है अपर खारघर में। मैं बता रहा हूँ अंदर अंदर तलोजा साइड में जो रेट है ना, उस रेट में मैं आपको अपर खारघर में प्रॉपर्टी लेके आ गया हूँ। आप सड़कें देख ही रहे हैं, डेवलपमेंट देख ही रहे हैं। मैं जा रहा था, पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा कम हो गया, तो हमने सोचा सबसे पहले किया जाए पेट्रोल फिल। और एरिया आप देखो, इतना धूप था यहाँ पे, फिलहाल गर्मी का मौसम है, लेकिन कंटेंट बजट वाला लेके आना मेरा सबसे मेन मोटिव है। सबसे पहले आप देख लो, लेफ्ट साइड में पड़ गया हमारा प्रोजेक्ट मेघना। मेघना प्रोजेक्ट का नाम है। मैं अंदर आपको सेल्स लॉन्च के अंदर लेके चलता हूँ, एक एक चीज इन डिटेल दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप देख लो, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने ऑलरेडी करके डिलीवर कर चुके हैं, चाहे वो करण जाड़े हो, चाहे वो खारघर हो, अपर खारघर हो, उसके बाद तलोजा का एरिया हो। उसके बाद भी आपको मैं दिखाऊंगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स, रसायनी, पनवेल, वाशी, नेरुल, हर जगह प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। 18 महीने तक नो प्री EMI, मैं आपको ये सबसे पहले बताना चाहता था। उसके बाद आप देखो, बिल्डिंग के अंदर आपको स्विमिंग पूल 100% मिल रहा है। मेन हाईवे आप सामने देख रहे हो, मेन हाईवे से हम लोग कनेक्टेड हैं, मेन हाईवे पे अपना प्रोजेक्ट है। तो आप सोच लो हाईवे पे प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू होगी। ये सामने आप देख रहे हो, कमर्शियल जोन आपको देखने को मिलेगा, ऊपर रेसिडेंशियल है। मेन हाईवे सामने 6 लेन का हाईवे बनने वाला है, और अपने को मेन हाईवे जो सर्विस रोड बनेगा, यहाँ से साइड से आएगा, सर्विस रोड से अपने को प्रॉपर एक्सेस मिलने वाला है। ऐसा प्रोजेक्ट आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेगा, खास करके ऐसी प्राइसिंग में। मैं आपको ऊपर भी लेके चल रहा हूँ, ऊपर गया मैं, मैंने देखा यहां से पूरा एरिया कितना ओपन स्पेस है, वो भी देखा मैंने। सामने मैंने देखा, यहां पे जो आपको दिख रहा है खड्डा किया हुआ है, मिट्टी वगैरह दिख रही है प्लॉट के बगल में, वहां पे दूसरा प्रोजेक्ट बन रहा है मेघना ब्लेस, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पे आप देख लो, लिफ्ट का स्पेस आपको देखने को मिलता है, दो दो लिफ्ट बगल बगल में आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद मैं आपको सैंपल फ्लैट भी दिखाता हूँ, सैंपल फ्लैट मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूँ, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कैसे बनाया है, क्या क्वालिटी यूज़ की है, आप देख सकते हो। हालांकि ये बन जाएगा तो और स्पेशियस देखने में लगेगा। सामने आप देख लो, आपको बैल्कनी मिल रही है। यहाँ पे मैं आपको सबसे जो मेन चीज़ बताना चाहता हूँ वो प्राइसिंग है। जिस प्राइसिंग में आपको मिल रही है, अंदर अंदर गली कुच्चे में जो प्राइसिंग में मिलती है, मैं आपके लिए अपर खारघर, प्रॉपर अपर खारघर में मैं आपके लिए उस प्राइस में प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। किचन का एरिया आप देख ही रहे हो, बाथरूम का एरिया आप देख ही रहे हो। सबसे खास बात जो मुझे इसकी लगी, नो प्री EMI 18 महीने तक, मतलब आप बोल सकते हो लगभग 1.5 साल तक। यहाँ पे भाई ने मुझे सब कुछ इन डिटेल दिखाया, सब कुछ मैंने देखा समझा। यहाँ पे भी आप देखो, अच्छा खासा एक्स्ट्रा स्टोरेज, एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल जाता है इस अपार्टमेंट के अंदर। सामने अपना मास्टर बेडरूम आ जाता है, अटैच्ड वॉशरूम, बाथरूम यहाँ पे हालांकि वॉल हो जाएगी या डोर हो जाएगा, सामने आ जाएगा अपना बाथरूम एरिया और ये अपना बेडरूम। बेडरूम के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बालकनी देखने को मिलती है, जो कि बालकनी डिसेंट साइज़ की है। सामने मैं आपको दिखाता हूँ, टोटल ये आपको 1 BHK कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ 1 BHK ही नहीं, 2 BHK भी इन डिटेल दिखाने वाला हूँ। सामने हम लोग जाएंगे, एंटर कर रहा हूँ मैं 2 BHK अपार्टमेंट में। ये जो 2 BHK अपार्टमेंट है, ये हाईवे फेसिंग है, यानी कि यहाँ से डायरेक्टली आपको हाईवे, प्रॉपर सनसेट, प्रॉपर माउंटेन्स दिख जाएंगे। यहाँ से आप व्यू देखो, इतना शानदार व्यू आपको देखने को मिलता है। आसपास में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सबका एंट्रेंस पीछे से है, मेन हाईवे से किसी का भी एंट्रेंस नहीं है। और हमारे प्रोजेक्ट पे प्रॉपर मेन हाईवे से जो सर्विस रोड बनेगा, वहाँ से आपको एंट्रेंस देखने को मिलेगा। तो ये कनेक्टिविटी के मामले में अपने आप में ही एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली है। बिल्डिंग के अंदर एमेनिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, चाहे वो गार्डन हो, कुछ भी हो, प्रॉपर आपको रूफ टॉप एमेनिटीज़ मिलेगी स्विमिंग पूल के साथ। इसके अंदर आप बालकनी देखो, कितनी बड़ी बालकनी आपको देखने को मिल रही है। और बड़ी बालकनी होना एक सबसे बड़ा एडवांटेज मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी घर लूँगा तो मैं भी चाहूँगा कि भाई घर के अंदर जो बालकनी है वो थोड़ी स्पेशियस हो, ताकि कभी भी मैं अपने घर से थोड़ा बाहर निकल के इंजॉय करना चाहूँ, व्यू इंजॉय करना चाहूँ, बैठना चाहूँ तो कर सकता हूँ। कुछ उसी हिसाब का अपार्टमेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे 1 BHK अपार्टमेंट में डिसेंट साइज़ का बालकनी मुझे देखने को मिला, लेकिन जो 2 BHK है उसके अंदर
अंदर बैल्कनी बहुत बड़ी बहुत शानदार मुझे लगी। यहाँ पे भी मैं आपको अपार्टमेंट दिखाई रहा हूँ, आप बैल्कनी का साइज देख ही सकते हो, इजीली 4 फुट की बैल्कनी है, प्रॉपर कनेक्टिविटी। और मैं आपको समझाता हूँ, प्रोजेक्ट से जस्ट बगल में आओगे सामने पूरा मेट्रो का प्लान लगा हुआ है और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड मेट्रो का प्लान है। आप देख लो कहाँ से लेके कहाँ तक आप देखोगे तो कल्याण तक ये पूरा कनेक्टिविटी डेवलप हो रहा है। तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे कि आप सोच भी नहीं सकते। आगे मैं आपको लेके जाऊँ, अगर आपको लग रहा हो कि सिर्फ मैं बोल रहा हूँ या ये सारी चीज़ें सिर्फ पेपर पे, यहीं से हम लोग आगे आए तो मैंने सामने देखा मेट्रो का डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रैक्स बन रहे हैं, पूरा का पूरा ब्रिज बन रहा है। वहाँ से आगे आएंगे तो ये आप देख लो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पे सामने ही अपना रेलवे स्टेशन भी है। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको सीधा सामने ले जाके दिखा भी देता हूँ, खारघर की अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ से आपको दिखेंगे। सामने मैं अगर लेके चलूँ आपको तो ये देखो, यहाँ पे हम लोग आए और ये रेलवे स्टेशन ऑलरेडी बन चुका है। अगर ज़्यादा उस तरफ में जूम करके दिखाऊंगा तो वहाँ पे आप देखोगे खारघर है और इस साइड में अपर खारघर, यहाँ पे आप देखो इतनी अच्छी कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। एक सेकेंड, आपके फायदे की चीज लेके आया हूँ, रियल एस्टेट की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन Housea.in। एप्लीकेशन का, वेबसाइट का, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिल्डर हो, ब्रोकर हो, बायर हो, सबके लिए बेस्ट एप्लीकेशन है। अनलिमिटेड प्रॉपर्टीज पोस्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी सेफ है। उसके बाद AI बेस्ड रियल एस्टेट एप्लीकेशन है, पहली बार ऐसा एप्लीकेशन आया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर ट्राई करो। कैसे यूज करना है जानना है तो ट्यूटोरियल का भी लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो फाइनली मैंने आपको सब कुछ लाइन से दिखा दिया है। एक चीज मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ, नवी मुंबई के अंदर इस बार जो प्रॉपर्टी मैं आपको लेके आया हूँ, नवी मुंबई में खारघर में आओगे, तलोजा में जिस प्राइस में प्रॉपर्टी मिल रही है, मैं आपके लिए अपर खारघर में लेके आ गया हूँ। ऑडियंस बोल रही थी कि भाई पिछली बार कुछ टाइम से 2-3 वीडियो आपने ऐसी डाली है जहां पर नेगोशिएशन नहीं होता है। हाँ भाई, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने ऐसी डाली है जहां पर जो रेट बोला है उसी में मिलता है, लेकिन इस बार अपर खारघर में तलोजा में जो रेट चल रहा है उस रेट की प्रॉपर्टी अपर खारघर में लेके आया हो, उसके बाद भी नेगोशिएबल। इस प्रॉपर्टी पे अगर आपने व्हाइट कॉलर बिजनेस की वीडियो देखी है तो आपके साथ नेगोशिएशन 100% होगा, उसके बाद आपको 1 रुपया भी ब्रोकरेज नहीं भरना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रोजेक्ट का नाम है मेघना 7 और इसके पीछे जो नया प्रोजेक्ट चालू हुआ है उसका नाम है मेघना ब्लिस। मैं आपको बता देता हूँ, मेघना 7 16 माले का टावर है, मेघना ब्लिस 12 माले का टावर है। दोनों बिल्डिंग के अंदर आपको रूफ टॉप एमिनिटीज मिलती है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इस टावर में आपको 2-2 स्विमिंग पूल भी मिलता है, आउटडोर जिम वगैरह हर एक एमिनिटीज जो चाहिए होती है वो आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाला है। उसके बाद जिस प्राइसिंग पे मिल रहा है मेघना ब्लिस जो इसके पीछे बन रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, 1 BHK 33 लाख से शुरू हो जाता है, 1 BHK 2 BHK 60 लाख से शुरू हो जाता है। और ये जो मेन हाईवे आप सामने देख रहे हो यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रॉपर हाईवे है, 6 लेन का पूरा, 6 लेन का पूरा हाईवे बनने वाला है। उसके बाद सर्विस रोड, जितने भी प्रोजेक्ट है यहाँ पे सबका एंट्रेंस पीछे से, लेकिन अपना जो प्रोजेक्ट है इसका एंट्रेंस मेन हाईवे पे से जो सर्विस रोड आएगा प्रॉपर एंट्रेंस आपको मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जिस प्राइसिंग में ये मिल रहा है उस प्राइस में मिलना मुश्किल है। इस बिल्डिंग में हाईवे टच वाला 1 BHK 45 लाख से शुरू हो जाएगा, 2 BHK 65 लाख से शुरू हो जाएगा, जबरदस्त प्राइसिंग में मिल रहा है। उसके बाद भी जो भी प्राइस मैंने आपको बताया, मेरी वीडियो अगर आपने देखी है तो नेगोशिएशन आपके साथ होगा और 1 पैसा भी आपको एक्स्ट्रा ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी नहीं भरना पड़ेगा। एग्जैक्ट लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, खारघर स्टेशन आपको उतरना है, सामने आपको शेयरिंग रिक्शा मिल जाती है, वहां से आ जाना है अपर खारघर एरिया में, वैसे आपको पिक एंड ड्रॉप की भी पूरी फैसिलिटीज मिलने वाली। इसके साथ मैं आपको सेक्टर भी बता देता हूँ, सेक्टर 37 में मेन हाईवे टच ये प्रोजेक्ट है। ऐसी प्रॉपर्टी लेके आने के लिए भाई मुझे आप सपोर्ट करो, मैं जबरदस्त प्रॉपर्टी इसके बाद भी लेकर आता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब 100% कर दो। अगली वीडियो में फिर से मैं आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।